न्यूज नंबर देख रहे सभी दर्शकों का मैं शाइना शर्मा स्वागत करती हूँ। असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का सोमवार को निधन हो गया। वे 86 साल के थे। उन्हें अगस्त में कोरोना हुआ था। वे एक बार ठीक हो चुके थे लेकिन पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन से जूझ रहे थे। गुवाहाटी के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उन्होंने शाम 5:34 पर आखिरी सांस ली। तरुण गोगोई की जिंदगी से कई दिलचस्प किस्से जुड़े थे, फिर चाहे वो राजनीति में एंट्री हो या फिर यहाँ से एग्जिट। तो आज हम आपको रूबरू करवाएंगे तरुण गोगोई की जिंदगी से जुड़े कुछ खास लम्हों से। Press the bell icon and never miss a video from newsnumber.com. गोगोई इंदिरा गांधी के समय 1971 में पहली बार लोकसभा सांसद बने थे। राजीव गांधी के समय में 1985 से 1990 तक कांग्रेस के महासचिव रहे। पीवी नरसिंह राव के समय में 1991 से 1996 तक मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड फूड प्रोसेसिंग में राजमंत्री रहे। तरुण गोगोई का जन्म 1 अप्रैल 1936 को असम के जोराहाट जिले में हुआ था। तरुण गोगोई की शुरुआती पढ़ाई रंगाजन निम्न बुनियादी विश्वविद्यालय से हुई थी। इसके बाद उन्होंने कक्षा 4 तक जोराहाट मदरसा स्कूल से पढ़ाई की। साल 1949 में वह जोराहाट सरकारी हाई स्कूल चले गए, जहां से उन्होंने 10वीं पास की। उन्होंने जोराहाट जिले के ही जगन्नाथ बरुआ कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से LLB की डिग्री हासिल की। तरुण गोगोई के पिता डॉक्टर कमलेश्वर गोगोई रंगजन टी एस्टेट में एक मेडिकल प्रैक्टिशनर थे। वहीं उनकी माँ उषा गोगोई कवित्री थी। वो प्रसिद्ध कवि गणेश गोगोई की छोटी बहन थी। इसके अलावा उन्हें अपनी कविता संग्रह हियार सामर यानी दिल का खजाना के लिए खास पहचान मिली थी। तरुण गोगोई ने अपने माता पिता से अलग अपना करियर एक वकील के तौर पर शुरू किया। उन्होंने साल 1963 में असम की गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से LLB की। वो सामाजिक कार्य और राजनीति में भी गहरी रुचि रखते थे। 30 जुलाई 1972 को गोगोई ने डॉली गोगोई से विवाह किया। डॉली ने जीवन विज्ञान से पढ़ाई की थी। उनके एक बेटे गौरव गोगोई और बेटी चंद्रमा गोगोई है। तरुण गोगोई पहली बार 1968 में जोराहाट के म्यूनिसिपल बोर्ड के सदस्य चुने गए। गोगोई 6 कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा सांसद रह चुके हैं। साल 1971 से 85 तक वे जोराहाट लोकसभा सीट से जीते। इसके बाद 1991 से 1996 और 1998 से 2002 तक उन्होंने कलियाबोर सीट का प्रतिनिधित्व किया। फिलहाल इस सीट से उनके बेटे गौरव गोगोई सांसद है। 1976 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की अगुवाई में वे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी यानी कि AICC के ज्वाइंट सेक्रेटरी चुने गए। साल 1985 से 1990 तक वे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रहे। वहीं जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने तो गोगोई ने कैबिनेट में 1991 से 96 में फूड प्रोसेसिंग राजमंत्री का कार्यभार संभाला। तरुण गोगोई 1991 से 1993 के बीच फूड स्टेट मिनिस्टर स्वतंत्र प्रभाव से चुने गए थे। 1993 से 95 तक उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए राजमंत्री के रूप में काम किया। वह 1986 से 90 तक असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे। इसके बाद 1996 में वह दोबारा इस पद के लिए चुने गए। गोगोई 5 विधायक भी रहे। उन्होंने सबसे पहले मार्गिटा विधानसभा क्षेत्र से 1996 से 1998 तक जीत हासिल की। इसके बाद 2001 से वह तितावर विधानसभा सीट से चुने जाते रहे। साल 2001 में हुए विधानसभा चुनावों में जब कांग्रेस ने जीत हासिल की तो तरुण गोगोई को मुख्यमंत्री बनाया गया। इसके बाद का रिकॉर्ड कि वे 3 लगातार CM चुने गए। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन के बाद उनके नेतृत्व पर सवाल उठने लगे। असम की 14 लोकसभा सीट से कांग्रेस कुल 3 ही जीत पाए, जबकि BJP ने 7 सीटें जीती, जो असम से किसी भी पार्टी द्वारा लोकसभा चुनाव में जीती गई सबसे ज्यादा सीटें हैं। चुनाव से पहले गोगोई ने ऐलान किया था कि अगर कांग्रेस 14 सीटों में से 7 पर जीत हासिल नहीं कर पाई तो वे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। और जुलाई 2014 में उन्होंने संकेत भी दे दिया था कि वह 2016 के विधानसभा चुनाव में पार्टी का नेतृत्व नहीं करेंगे। असम राज्य में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी निभाने वाले तरुण गोगोई ने अपने बिजी समय में से एक खास वक्त बागवानी और किताबों को भी दिया। उन्हें पढ़ने का हमेशा शौक रहा। इसके अलावा खेलों के प्रति भी उनकी रुचि रही। वो टेनिस और फुटबॉल जैसे गेम पसंद करते थे। वह अखिल असम मोयना परिजात बच्चों के संगठन और भारत युवक समाज के पूर्व कोषाध्यक्ष भी रह चुके हैं। हाल ही में NRC को लेकर भी वो खूब चर्चा में रहे। इसके विरोध में उन्होंने याचिका डाली थी और 36 साल बाद फिर से काला कोट पहनकर कोर्ट पहुंचने को लेकर खूब चर्चा बटोरी थी। तरुण गोगोई नॉर्थ ईस्ट के सबसे बड़े नेताओं में शुमार थे। 3 असम के मुख्यमंत्री रहे, 6 लोकसभा सांसद रह चुके थे। वो राजनीति के ऐसे माहिर खिलाड़ी थे जिनकी कमी शायद कभी कोई और पूरी नहीं कर सकता। पूरे देश के साथ न्यूज नंबर भी ऐसे महारथी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता है।